हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो मैं बहुत दिनों बाद आज फिर हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो मेरी वीडियो का टाइटल है कांग्रेस हामिद अंसारी कंट्रोवर्सी। जो हामिद अंसारी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, इवन बीजेपी के साथ भी थे, दो से तीन साल उन्होंने बीजेपी के गवर्नमेंट के साथ एज ए वाइस प्रेसिडेंट भी काम किया था। तो ये थे और ये इनका कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है। तो ये सब लोकतंत्र की वीडियो है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। मुझे इनकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि एक ह्यूमर के साथ फैक्ट होता है, दैट इज़ रियली गुड टू वॉच। आप उनके वीडियोस को सपोर्ट करिए और अगर आपको मेरी वीडियोज़ ये पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत सारा सपोर्ट दिखा दीजिए क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो और वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। आपको याद होगा भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के विषय में प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ ये बयान। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट, उसी दायरे में जिंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में, ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। लेकिन ये 10 साल पूरी तरह एक अलग जिम्मा आपके सिर में आया और पूरी तरह एक एक पल संविधान 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 के ही दायरे में चलाना, और आपने उसको बखूबी निभाने का भरपूर प्रयास किया। हो सकता है कुछ छटपटार रही होगी भीतर आपके अंदर भी, लेकिन आज के बाद शायद वो संकट आपको नहीं रहेगा, मुक्ति का आनंद भी रहेगा और अपने मूलभूत जो सोच रही होगी उसके अनुसार आपको कार्य करने का, सोचने का, बात बताने का अवसर भी मिलेगा। उस समय कुछ भ्रकुटियां जरूर तनी थी कि उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा बोलना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है, लेकिन अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले एक पाकिस्तानी पत्रकार ने खुलासा किया है कि कैसे अंसारी के कार्यकाल में वो उनके बुलावे पर भारत आते थे और आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। साथ ही दावा किया है कि भारत के हर शहर में पाकिस्तानी जासूस आज भी छुपे हैं। तेल लगा के डाबर का पहन की टोपी नायक की झड़ी लगा दो लायक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों, पाकिस्तान से आईएसआई के एजेंट पत्तलकार बनकर भारत आते हैं, अलग अलग शहरों में घूमते हैं और जानकारी इकट्ठी करके पाकिस्तान ले जाते हैं। ये बात है कांग्रेस की यूपीए सरकार की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे थे तो सरकार क्या कर रही थी, तो जान लीजिए कि सरकार तो उन्हें आने का निमंत्रण दे रही थी। देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर विराजमान उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और देश के 56 शांतिप्रिय सांसद भी इस साजिश में शामिल थे और जासूसी करने वालों का कालीन बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। ये बाबा नहीं कह रहा, क्योंकि बाबा तो सांप्रदायिक है, शांति दूतों को बदनाम करने में लगा रहता है। ये कहना है खुद पाकिस्तान के जासूस का। पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने एक इंटरव्यू में अपने अच्छे दिनों की याद दिलाते हुए कहा है कि वो भारत में निमंत्रण पर बुलाए जाते थे और भारत के अलग अलग शहरों में आकर आईएसआई के लिए जासूसी किया करते थे, वापस जाकर वो खुफिया जानकारी आईएसआई को दिया करते थे। अब आप शायद समझ सकते हैं कि भारत के शहर शहर में उस समय इतने आतंकी हमले क्यों होते थे। शकील चौधरी नाम के एक और पत्तलकार को दिए इंटरव्यू में मिर्जा ने बताया कि वो 5 बार भारत आ चुका है। मिर्जा को पाकिस्तान के विदेश विभाग से भारत का वीजा मिलने में विशेषाधिकार प्राप्त था, हिंदी में बोले तो स्पेशल ट्रीटमेंट। नॉर्मल लोगों को भारत का वीजा मिलता है तो 3 शहरों का वीजा मिलता है, यानी वो 3 शहरों में ही जा सकते हैं, लेकिन मिर्जा साहब को 7 शहरों का वीजा मिला करता था। अंतिम बार वो मिली गजट नाम की इंग्लिश पत्रिका के संस्थापक जफरुल इस्लाम के बुलावे पर भारत आए थे। जफरुल इस्लाम का नाम कहीं सुना सुना लग रहा है ना आपको, ये वही जफरुल इस्लाम है जिन्हें दिल्ली सरकार ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, हिंदी में बोले तो माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये सुर्खियों में तब आए थे जब इन्होंने एक ट्वीट किया था कि अरब देश भारतीय मुसलमानों से प्यार करते हैं क्योंकि हमने वर्षों से इस्लाम की सेवा की है। इसके बाद उन्होंने मासूम आतंकी जाकिर नायक समेत कुछ नाम लिखकर बताया था कि
कि इन लोगों को अरब देशों में बड़ी इज्जत मिलती है। ये सब तब कहा गया था जब CAA दंगों में उमर खालिद जैसे दंगाइयों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद ये महानुभाव भगवान राम का मजाक उड़ाने वाले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का भी समर्थन कर चुके हैं। जब राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंजुमन में शामिल किया गया था तो चचा ने वो आयत लिखी थी जो किसी की मृत्यु पर लिखी जाती है, मानो हमारे यहाँ राम नाम सत्य है लिख रहे हों। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में संवैधानिक पद पर बैठे नजर आते हैं आज भी, और हामिद चचा को तो सब जानते ही हैं। देश से इतना प्यार मिलने के बाद भी इन्हें देश में डर लगता है। हाँ, शांतिप्रिय देशों में जाकर ये बहुत निडर घूमते थे और इनकी बेगम भी बुरके में बेखौफ घूमा करती थी। अच्छा, जनता को भी अब समझ आ रहा है कि मोदी जी ने इतने कड़वे शब्दों का प्रयोग इनके रिटायरमेंट पर क्यों किया था। लेकिन जनता सरकार से सवाल भी कर रही है। ठीक है, पिछली सरकार ने तो ऐसे ऐसे आस्तीन के सांपों को दूध पिलाया है, लेकिन क्या इस सरकार को, मोदी जी को, इनके इन कारनामों के बारे में पहले से पता था? अगर पता था तो कुछ किया क्यों नहीं? ठीक है, पद की गरिमा होती है, लेकिन गरिमा निभाना जितना सरकार या जनता का दायित्व है, उससे ज्यादा खुद उस पद पर आसीन व्यक्ति का है। और देशद्रोह पद के हिसाब से तो डिसाइड नहीं होगा ना। अब जब पद भी नहीं रहा है तो क्या अब उन पुराने पापों की सजा मिलेगी? क्या इटली वाली माता की भूमिका की जांच होगी कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी कुर्सी पर कैसे 10 साल बिठाए रखा? और वो भी ना कर सको तो जनता के सामने खुलकर बता तो दो, जनता को पता तो चले कि उनके साथ कैसे कैसे विश्वासघात किए गए हैं। वैसे सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देखें तो जनता को पता चल चुका है। लोग मीम्स शेयर कर रहे हैं, चाहे वो सस्ते में गद्दार दिखाने की मीम हो या विनोद को बताता हुआ बनराकस कि कैसे भारत का नमक खाकर भारत से गद्दारी की जा रही। कई बार कुछ हिंदू ये प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न अभी दोबारा उठ खड़ा हुआ जब मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें संसद से बाय बाय कर दिया गया, कि आखिर भाजपा के पास अब 300 से ज्यादा सांसदों में एक भी शांतिदूत क्यों नहीं है? देश के 16 राज्यों में एक भी शांतिदूत मंत्री क्यों नहीं है, जबकि उनकी आबादी 15% तो कागजों पर ही है? लेकिन अब सोचिए कि केवल एक उपराष्ट्रपति ही नहीं, 56 ऐसे सांसद थे जो ISI और पाकिस्तान के जासूसों को भारत आने में सहायता करते थे। तो आप ही बताओ कैसे संसद में आप उन्हें चुनकर भेज सकते हैं। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है सोते हुए हिंदुओं के नाम। शांति दूतों को अभी भी ये गलत फहमी है कि वो हम पर शासन करते हैं। अब उनकी इस गलत फहमी का कारण भी आप ही हैं। अब देखिए ये अजमेर दरगाह के खादिम क्या कह रहे हैं, और इनकी गर्मी केवल इसलिए है कि आप वहां जाकर हरी चादर चढ़ाते हैं। वैसे पिछले हफ्ते में सुना है 90% व्यापार अजमेर शरीफ का कम हो गया है, फिर भी जाती हुई गर्मी है, देख लीजिए। जब शहरों के नाम बदले जा रहे थे, जब रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे थे, मुगल सराय हटाया गया, अबे तो क्या रबर से हमारी हिस्ट्री बदल दोगे कि हमने 600 साल हुकूमत की है? इरेजर से आप बता दोगे, कैसे बिता दोगे? हम हाकिम थे, इस मुल्क के हुक्मरान थे, हम मखलूक नहीं है, हम सब्जेक्ट नहीं थे, हम रूलर्स थे। हमको सिर्फ सिक्योरिटी तक महदूद मत कर दो, हमारे में ये अरमान पैदा मत कर दो कि फिर से हमें हुकूमत करनी है। ये हमसे लड़ेंगे, हमसे वतनपरस्ती की बात मानेंगे, ये ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती आराम फरमा रहे हैं, क्या तुम नतमस्तक होने आते हो? अगर आप भी अंसारी साहब का इंसाफ देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो ही खत्म। वीडियो बहुत शॉकिंग थी, मतलब आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड कि मतलब जिस गवर्नमेंट पे हम इतना ट्रस्ट करते थे, जिन लोगों पे हम इतना ट्रस्ट करते थे, जिन MP MLAs पे हम इतना ट्रस्ट करके उनको इलेक्ट करके ताकि वो कंट्री की सेवा करेंगे, ये यार एक बार को कम कर लो, पर धोखाधड़ी तो मत करो देश। मतलब देख, कुछ MPs होते हैं जो मतलब बहुत सारे इलीगल काम भी करते हैं, फलाना धमका बहुत सारे काम करते हैं, पर ये तो मतलब
ऐसी गलती है जो अगर ये मतलब मुझे नहीं पता ये चीज़ प्रूव हुई है, ये चार्जेस प्रूव तो नहीं हुए ना, एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसा कहा है, तो उसी चीज़ पे ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही है, पर कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें बारे में हो सकता है कि आगे कोई केस फाइल करे या सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन ले, आई डोंट नो क्या होगा इस चीज़ में, तो मैं इतना कमिटेड नहीं कह सकती कि जो भी चीज़ें वो सच है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रूफ रिगार्डिंग द सेम, और गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, ना कोर्ट ने कोई क्लैरिफिकेशन दी है, तो वी विल वेट फॉर द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द कोर्ट आइदर बाय द गवर्नमेंट। पर ये अगर ऐसा है, पर ये बात तो सही है ना, जब उस वीडियो में एक बात कही मतलब कि पहले बहुत बम धमाके होते थे, और ये बात फैक्ट है, पहले बहुत बम धमाके होते थे, तब से अब में बहुत शांति हो गई है, पहले इंडिया में बहुत ज़्यादा राइड्स हो गए थे, इनफैक्ट यूपी में भी बहुत सारे राइड, हर जगह बहुत ज़्यादा दंगे भी, अब क्या हो रहा है, कोई कोई जर्नलिज्म के नाम पे हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जाके उनको लीक कर रहा है, सोचो उस समय, मैं सोच रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट उनके साथ में थे तो कितने पाकिस्तानी एजेंट हमारे आसपास हमारे शहरों में घूमते होंगे पता ही नहीं, मतलब यहाँ हमारे जो सैनिक है वो उनसे लड़ के खून बहा रहे हैं और ये गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, क्या फ़ायदा फिर उनको, कैसा लगेगा जब वो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और आप यहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हो, और कुछ नहीं, सिर्फ इनका ये रहता है अगर हामिद अंसारी ने ऐसा किया है तो इनका लगता है कि रिलीजन इज़ अबव एवरीथिंग, तो जो गलत है, आप जिस नेशन में हो, इस नेशन में आपको इतना बड़ा पद दिया, आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, आप वाइस प्रेसिडेंट बने, इतना रिस्पेक्टफुल पोजीशन है, तो आपको इस पोजीशन की गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, ना कि आप ऐसा काम करो, भले आप अभी पोस्ट पे नहीं हो पर एक बार प्रूव हो गया तो फिर क्या रह जाएगा आपकी इमेज, और मुझे समझ पे नहीं आता कि लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं, सोचो बारी बार बार लोग आते थे यहाँ पे मतलब उनको वीज़ाज मिलते थे बिना मतलब, अब वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है, और मतलब और वो जो स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग में दिखाई है कि अब तो बहुत छटपटाहट होती होगी, तो मैं समझ नहीं पाया स्टार्टिंग में छटपटाहट, इन द सेंस आप समझ में आया ना कि अब तो भाई जो यूपीए गवर्नमेंट थी वो तो क्या था, वाइस प्रेसिडेंट तो गवर्नमेंट का पार्ट होता नहीं है, पर यूपीए गवर्नमेंट मिलके काम करती थी, तो अब देखिए जो ये गवर्नमेंट आई है ये उनसे उतना नहीं मिल रही, उनके जो भी काम थे जो पहले करते आ रहे थे, तो इसलिए इतनी छटपटाहट ही होती है, हर चीज़ पे दंगे, पता है पूरी अपोजिशन पार्टी मिल जाती है सिर्फ इस गवर्नमेंट को गिराने, मुझे नहीं पता ये गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत परफेक्ट है, पर इन लोगों का जो एजेंडा है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तभी तिलबिलाहट हो ही रही है, जब एजेंडा सक्सेसफुल होता ना तो ये भी बैठे रहते शांत होके, ये क्यों इतने राइट्स करते हैं, क्यों बेवजह का झगड़े लड़ाई ये सब, और भाई वो जो लास्ट में जो क्लिप डाला था वो अजमेर शरीफ के खादिम बोलते आई थिंक, उन्होंने क्या कह रहे हैं कि वी वेयर द रूलर्स, भाई रूलर्स नहीं ऑपरेसर्स बोलते हैं, रूलर्स तो ये होता है कि भाई आप अपने लोगों की खुशियाँ या आपका पुश्तैनी है या जैसे पहले राजाओं में चलता था या आप लोगों ने आपको खुद चुना है या सब कुछ, आप तो यहाँ पे लोगों की जान ले लेंगे, क्योंकि भाई हमारी आदत नहीं थी यहाँ पे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे बीइंग अ हिंदू, हमारे एंसेस्टर मारपीट वगैरह वाली आदत नहीं थी, ये आके इन्होंने छल कपट से गद्दी हासिल कर ली, उसके बाद कह रहे वी वेयर रूलर्स, उसको रूलर्स नहीं कहते हैं, उसको ऑपरेसर्स कहते हैं, उसको चीटर्स कहते हैं, उसको मर्डरर्स कहते हैं, और ये आके बोल रहे हैं कि वी वेयर नॉट द सब्जेक्ट, मतलब हम जनता नहीं थे, तो भाई एक मतलब इनका मतलब वही बात है ना कि आप जब किसी चीज़ को, हमें नहीं पता था ना कि हमारा तो जो संस्कृति है भारत का वो यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, की पूरी दुनिया को हम एक परिवार की तरह मानते हैं, हमें नहीं पता था कि आप मन में इतना छल कपट, आपके जो एंसेस्टर्स हैं मन में इतना छल कपट लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, अगर पता होता तो भी बात ही अलग होती, कि हमने नहीं किया और हमें पता भी नहीं था, ना ऐसा होता था हमारे कल्चर में, ना हमारी संस्कृति सिखाती है, पर आप आके इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के और बोल रहे वी वेयर द रूलर्स, और जो हिस्ट्री में भी जो पढ़ाया जाता था हमारी बुक में यही वे, इनकी मुगल हिस्ट्री को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था, पर बहुत सैड बात थी वो, लेकिन अब अच्छी बात है कि चीज़ों को लोगों को पता लग रहा है, मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लग रही है कि मतलब जो इतने दिन से पर्दा था ऐसे रखा था एकदम, और पर्दा वो भी एक लेयर का नहीं, कई लेयर का पर्दा लोगों की आँखों के सामने रख रखा था, वो लेयर लेयर बाई लेयर पर्दा हट रहा है, लोगों की आँखें खुल रही हैं, अब जो देखना ही नहीं चाहता उसकी बात ही अलग है, पर लेयर बाय लेयर चीज़ें खुल रही हैं, और इसका आपको एक लाइफ वो भी दिखा कि वहाँ पे जो अजमेर शरीफ जो जाते थे उनका वो कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, बहुत ज़रूरी, देखिए बात ये नहीं होना, बात होती है
म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। अगर हम आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही वी शुड डिसरिस्पेक्ट, पर अगर हम कर रहे हैं तो आप भी करिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो फिर चीज़ें सही नहीं होंगी ना। उनको लगता है ये कुछ बोलते नहीं हैं, इसी का फ़ायदा उठा रहे, पर अब ऐसा है नहीं। आई होप चीज़ें ठीक हो जाए, हारमोनी मेंटेन हो जाए और रिलीजन के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। एंड वन मोर थिंग, लाइक अरे कंट्री से तो गद्दारी कभी नहीं करनी चाहिए। पता नहीं किस तरह के लोग होते हैं, उनका क्या मतलब, उनको पैसा का इतना भूख रहती है जो कंट्री से गद्दारी कर लेते हैं। आई डोंट नो, बट आई एम शॉक्ड। इस तरह की चीज़ें देखते हुए मुझे शॉकिंग लगता है। चलिए जो होता है देखते हैं क्या इस बारे में अपडेट आएगा, हमें तो पता ही लगेगा। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं इस बारे में वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो फिर फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।